नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों का। जगदीशपुर जिले के थाना क्षेत्र के कोरी पंचायत के बद्री टोला के रहने वाले रामदास महतो के पुत्र अशोक कुमार महतो के घर का कुड़की संदेश जारी किया गया, जिसे पुलिस अधिकारी अनिरमेश कुमार के सहयोग से जगदीशपुर थाना के अनिकुंज हुसैन और सनीर वीरेंद्र कुमार सिंह की मदद से पूरा किया गया। आरोपी अशोक महतो 1 अप्रैल को हुई बाइक लूट में शामिल था, जो बीते 2 सालों से फरार चल रहा था। मुख्यालय में मनरेगा भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 2 अक्टूबर को प्रखंड के 2 पंचायतों को पूर्ण ODF घोषित करने के उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी विंदु कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा PRS और उत्प्रेरक संयुक्त रूप से बैठक में शामिल हुए, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी विंदु कुमार, समन्वयक अनिल कुमार, विशेष उत्प्रेरक श्याम कुमार चौधरी ने ODF से संबंधित सभी पंचायतों में बने हुए शौचालयों का जियो टैनिंग प्रति PRS और प्रति उत्प्रेरक को प्रति पंचायत 40-40 करने का निर्देश दिया। सोन नदी के तट पर सामुदायिक भवन में महात्मा गांधी सेवा आश्रम संस्थान के संदेश अंचल के आयोजक समिति की बैठक का आयोजन गजाधर साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक को जिला संयोजक रामाशीष गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि वैश्यों का राजनीतिक हनन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। कोषाध्यक्ष कर्मू शाह केसरी, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार, भुवनेश्वर शाह आदि वक्ताओं ने 7 अक्टूबर को आरा रामना मैदान में आयोजित होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चलने की अपील की है। बैठक में आरा में हुए स्वागताध्यक्ष प्रेम पंकज पर हमले की घोर निंदा की गई। इसमें प्रेम गुप्ता, संजय गुप्ता, मेघनाथ शर्मा, रविंद्र साहब, धन भगवान साहब, नरेंद्र प्रसाद, हरि नारायण साहब, राम बाबू साहब सहित बहुत से लोग हिस्सा ले चुके हैं। थाना क्षेत्र के चिलहौस नसरतपुर गांव के बीच सोन नदी में गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में अवधेश सिंह, मोहनलाल प्रसाद अपने थाना बल और सेना के जवानों के साथ क्षेत्र के तिलहौस नसरतपुर गांव के बीच सोन नदी के बालू पर अवैध रूप से शराब कारोबारियों के द्वारा अवैध रूप संचालित किए जा रहे भट्टी पर छापेमारी कर लगभग 3,000 लीटर महुआ जावा, 15 ड्रम गुड़ और आधी बनी शराब को नष्ट किया गया, लेकिन शराब कारोबारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। निर्माता दीपक सिन्हा ने अपना जन्मदिन मुंबई में अरमान कोहली के घर बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर दीपक सिन्हा ने एक फिल्म बनाने की घोषणा भी की। उन्हें बधाई देने के लिए इंडस्ट्री के कई लोग मौजूद थे, जिसमें अरमान कोहली, सीमा आजमी, विकास वर्मा, अरविंदर सिंह, हरीश मधा पधारिया, चित्रसी जमसे, रजनीश कुमार और ध्रुव वर्मा शामिल थे। दिल्ली से जन्मदिवस की बधाई देने वालों में दीपक के खास दोस्त सतीश पासी ने व्हाट्सएप, फेसबुक और फोन पर बधाई दी। राफेल डील को लेकर कांग्रेस की ओर से बार बार केंद्र सरकार पर उठ रहे सवालों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस सौदे की जांच अब कैग से कराई जाएगी। कैग इस सौदे की कीमतों की जांच करेगी, लेकिन ये डील रद्द नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कैग इस बात को भी परखेगी कि कांग्रेस नीत UPA सरकार में राफेल विमान की सौदेबाजी बेहतर थी या BJP नीत NDA सरकार में हो रही डील बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम को उसके पहले एयरपोर्ट की सौगात दी है। उन्होंने पाकयोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे। ये एयरपोर्ट 206 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में लगभग 605 करोड़ रुपए की लागत आई है। PM मोदी ने कहा कि मुझे कई बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। मैं सिक्किम का पहला एयरपोर्ट आप लोगों को भेंट करता हूँ। हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगा दी है, क्योंकि अब तक देश में 100 एयरपोर्ट चालू हालत में हो गए हैं। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया कि मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कैबिनेट में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। शाह के इसी ट्वीट का असर है कि आज 2 बीमार मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया, मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें CHECK मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com।
राफेल डील विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। सोमवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए उन्हें कमांडर इन थीफ तक कह डाला। सोमवार को राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें राफेल डील के बारे में समझाया जा रहा है। वीडियो में मौजूद शख्स कह रहा है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राफेल डील के बारे में कहा कि भारत सरकार की ओर से अंबानी की कंपनी का नाम सुझाया गया था क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए गए समर्थन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं। राहुल के आरोपों को पाकिस्तान का समर्थन है। पाकिस्तान राहुल गांधी के ट्वीट को टैग कर रहा है। क्या कांग्रेस इंटरनेशनल गठबंधन बना रही है? बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार और राष्ट्रीय राजधानी की आप सरकार के प्रदर्शन पर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी है। केजरीवाल ने हिंदी में ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए लिखा, अमित शाह जी, जितने काम मोदी सरकार ने 4 साल में किए उससे 10 गुना ज्यादा काम हमने किए। इससे पहले शाह ने रामलीला मैदान में केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने 3.5 साल के दौरान दिल्ली को विकास से वंचित रखा। रेवाड़ी गैंगरेप में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने देर रात महेंद्रगढ़ के सतनाली से पंकज और मनीष नाम के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के मास्टरमाइंड निशु को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें 12 सितंबर को तीनों आरोपियों ने छात्रा का उस समय अपहरण कर लिया था जब वो अपनी कोचिंग से वापस आ रही थी। इसके बाद लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में राज्यों से मॉब लिंचिंग को लेकर कोर्ट के आदेश पर अमल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले में राज्यों और केंद्र सरकार को आदेश दिया गया था कि सरकारें मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रचार प्रसार करें, लेकिन सरकारें ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने को लेकर केंद्र सरकार 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कुल्लू के ओट में बादल फटने से कुल्लू मनाली के बीच डोबी विहाल में व्यास के बीच 9 लोग फंस गए थे जिन्हें वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। राज्य के 12 में से 10 जिलों में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है जिसके कारण कई जगह बाढ़ आ चुकी है और कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। यशराज के बैनर तले बन रही साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से आमिर खान का लुक रिलीज कर दिया गया। फिल्म में आमिर के किरदार का नाम फिरंगी होगा। आपको बता दें आमिर से पहले अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, लॉय नोवेन और फातिमा सना शेख का लुक मोशन पोस्टर्स के जरिए रिलीज किया जा चुका है। आमिर ने अपना लुक ट्विटर पर शेयर किया। दिन भर की कुछ खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के